काम के लिए अच्छा नहीं होता। और हमारे बापू का जो टेम्परेचर है वो 5 है, बहुत मजे का वेदर है। तो मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह, और जल्द बापू में दोबारा मुलाकात होगी। अगर टच में रहना इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान के मतलब दोस्त चीज़ें इतनी सारी चेकिंग होती है पाकिस्तान में, तो इतनी लाइन लगी हुई होती है एयरपोर्ट के बाहर, बस पुलिस चेक कर रही होती है डॉक्यूमेंट्स, ये हो गया वो हो गया, क्यों जा रहे हो। एक एयरपोर्ट पर 2 बंदे जा सकते हैं, 3 बंदे जा सकते हैं साथ, लेकिन माशाल्लाह ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत बहुत अच्छी है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे जो आज़रबैजान की अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का खतरा नहीं होता, क्राइम बहुत कम है। काम क्या मैंने तो ना होने के बराबर देखा है, किसी और के साथ कुछ हुआ हो तो मैं पता, लेकिन मेरे किसी दोस्त के साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र, मुझे यहाँ 3.5 साल हो गए। मैंने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत बनाया। साथ मैंने सोचा जाते हुए लास्ट वीडियो जो है हैदर अली एयरपोर्ट पर ही बना देते हैं। ये जी यहाँ पर बस सर्विस है बाकू एयरपोर्ट पर, जो मोस्टली मैं बताता हूँ कि चीप वे से आप कैसे जा सकते हो। ये बस खड़ी होती है सामने, और जब आप लोग वहाँ से निकलते हो साथ, वहाँ से वो सामने जो गेट है उसके साथ ही मशीन लगी हुई है, उसके अंदर आप 5 मनात डालोगे ना तो 2 मनात का कार्ड आ जाएगा और 3 मनात आपके कार्ड के अंदर चले जाएंगे। वो जहाँ पर सिक्योरिटी वाला खड़ा वहाँ पर वो मशीन लगी, जब वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे तो ये जो बस है ये जस्ट 1 मनात और 30 पैसे लेती है 28 मई। इसका आज़रबैजान जो बाकू है ना उसका सेंटर है दूसरे लिहाज से, कि वहाँ पर सभी ट्रेनें आगे पीछे जाती हैं, वहाँ से आपको आगे टैक्सी लेने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, जो आपके साथ टैक्सी लोगे इस तरह बहुत चीप चले जाओ। अदरवाइज़ टैक्सी वाले यहाँ से बहुत पैसे लेते हैं 28 मई के। आप लोग ये रास्ता यूज़ करोगे तो आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं। ये बहुत माशाल्लाह प्यारा है, यहाँ पर ये एंट्रेंस है। ये इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं इसके अंदर आ गया हूँ, हैदर अली जो आज़रबैजान बाकू का हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। यानी कि उसने इन लोगों ने थोड़े से टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट की है, इस लिहाज से प्यारा है एयरपोर्ट, तो और भी बहुत से प्यारे होंगे, लेकिन जस्ट 24-25 साल में इन्होंने ये ऐसा कर दिया है तो देखने के कारण।
बहुत ही शानदार किस्म का इन्होंने बनाया हुआ, माशाल्लाह, अल्लाह बाकू। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये भाई तो मैंने ड्रा ही छड़े अंडरस्टैंड। एक्चुअली व्हेन आई सी आई थिंक एनीबॉडी कम हियर मे बी ही सेड टू मी स्टॉप योर वीडियो। वेयर फ्रॉम यू? You're from India. I'm from Pakistan. Are you working here or tourist? Actually, I'm working here. Where? I'm working here. Actually, I have two hostel in this town. Sorry? Two hostel. Oh, okay. Yes. I'm also working here. Gilan Hotel. Gilan Hotel? Gilan and Kanaf. Do you know that? It's like a construction chemical industry. Oh, good. That's a corporate company. Yes, it's good. But not here. Yes. How long you are here? I'm more than 3 years. 3 years? Okay. Here mostly Indian people come in construction. Yes, yes. Yes. Because Indian and the other thing IT. Yes, because IT they are and planning engineer. Yes, yes. Because Indian people is very skillful, especially in Kerala side. Yes, I'm South Indian. Yes. South Indian Kerala side? Tamil. Yes. Tamil Nadu. Charger to Pakistan, my city, Sialkot. Sialkot. Okay, brother, thank you. Oh. We're looking class. भैया कि एयरपोर्ट वन साइड, लेकिन अभी इतना ये बिजी नहीं है इतना दूसरे एयरपोर्ट बिजी होते हैं। फ्यू पीपल हियर बट वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट लाइक। टू लिव बाकू दैट्स वेरी हार्ड एक्सपीरियंस। ऐसा है मेरी दे शूटिंग शूटिंग ये सब मेरा बजट